card. Ma'am is going to issue it to you. C45th LS session. C45th LS session. You sit straight and wear it properly. Wear your mask properly. I ask you to take out your copy and pen. Yes. Authorized capital. When we will prepare the balance sheet, we will write authorized capital. मेरे को आपको forfeiture की entries को बताना है. Prospectus में लोगों से कितने की application आई? मगवाई 90,000 की. हमें application आई 85,000 की. वो subscribed capital है. Company ने मगवाया ही 8 रुपए है. It means की सारी capital not fully paid है. Because out of 10, the company has just called 8. इतना clear है? बैलेंस शीट में फुली पेड तो कुछ नहीं आएगा, सारे का सारा नॉट फुली पेड होगा. ठीक. राम इज द नेम ऑफ द शेयर होल्डर हु इज होल्डिंग 1000 शेयर्स, राइट. देयर इज अनदर शेयर होल्डर हु इज होल्डिंग 2000 शेयर्स, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल. दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी. शाम के शेयर सिर्फ हम लोगों ने फोरफिट किए हैं, राम के नहीं. ठीक है. अब फोरफीचर की एंट्री आपने मेरे को बतानी है. फोरफीचर की एंट्री में किसके शेयर फोरफिट हुए हैं? शाम शेयर्स वर फोरफीटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल. ओके. अब मेरे को फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री बताओ. पर फर्स्ट कॉल की अमाउंट दे रखी है? फर्स्ट कॉल की अमाउंट दे रखी है 2 रुपीज. 85,000 की एप्लीकेशन आई. मेरे को ड्यू करवाना जरा फर्स्ट कॉल. थोड़ा सा बैक में चलते हैं. दो द एंट्रीज ही हैज नॉट आस्क्ड, लेकिन मेरे को बैलेंस शीट के कंटेंट समझाने के लिए एंट्रीज करवानी है आपको. ठीक. बताना जरा. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. 85 को 2 से मल्टीप्लाई किया 170. ठीक है. टू शेयर कैपिटल. कितने शेयर्स के ऊपर हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली? कितने शेयर्स के ऊपर हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली? 2000. राम और शाम दोनों पे नहीं मिली? राम और श्याम दोनों पे नहीं मिली भाई, बोलो. 3000 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल नहीं मिली. 3000 × 2 = 6000. इट मींस कि कितने से एंट्री आई होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड. चाहो तो कॉल्स इन एरिया डेबिट करो. टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना मिला? 170 में से 6000 नहीं मिला. कितना मिला? 164, 6000 ये एंड 170. फर्स्ट कॉल के बाद ही उसने बोला शाम के शेयर फोरफिट करना. चलो जी, शाम के शेयर फोरफिट करवाने की एंट्री बोलो. और शाम के शेयर 2000 हैं. ठीक है जी. एंट्री बनेगी. पहले मैं एंट्री लिखती हूँ. अमाउंट बाद में आपके साथ डिस्कस करके फिल करूंगी. ठीक है. प्रीमियम है नहीं. फोरफीचर की हर एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट होता है. जिन कारणों से फोरफीचर हुआ है, वो कारण चाहे क्या है, फर्स्ट कॉल है, मींस कॉल्स इन एरिया लिख दो, चाहे क्रेडिट कर दो, चाहे आप क्या कर दो, फर्स्ट कॉल कर दो. क्योंकि इसकी एंट्री में मैंने इंटेंशनली आपको समझाने के लिए कॉल्स इन एरिया डेबिट किया, इसलिए मैं यहाँ पे भी कॉल्स इन एरिया ही डेबिट क्रेडिट करूंगी. टू कॉल्स इन एरिया मीन्स फर्स्ट कॉल जो मिल चुका है वो फोरफीचर में ट्रांसफर कर दो. आई ऑलवेज कॉल इट शेयर फोरफीचर. डन. सो How many shares Shyam was holding? 2000. What was the called up capital? 8. ठीक है. 16,000. ये दोनों का forfeiture amount है calls in arrear. 1000 + 2000 का. It means कि Shyam का तो 4000 होगा. ये 6000 मिलके है ना, राम का भी और शाम का भी. ठीक है. आप यहाँ पे 2000 × 2 कर दो. ठीक है. That is what 4000. 8 में से 2 रुपए उसने नहीं पे करे. इट मींस कि 8 में से वो 6 पे कर चुका है. 6 पे कर चुका है तो 12,000. ठीक है. इतना क्लियर है. अब कहता शाम के सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए. शाम के कितने शेयर्स रीइश्यू हुए? 1500. 2000 में से 1500 पहले तो इस अमाउंट में से मेरे को बताओ क्या होल अमाउंट ऑफ फोरफीचर आई कैन यूज टू गिव द डिस्काउंट. आपको फॉर्मूला सिखाया हुआ है. 12,000 इज बियॉन्ड 2000 और जितने रीइश्यू कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई करो. क्या फॉर्मूला है? बैलेंस इन फोरफीचर अकाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू. 2000 से डिवाइड किया, 1500 से मल्टीप्लाई किया, दैट कम्स टू मी 9000. इट मींस कि मैक्सिमम डिस्काउंट रीइश्यू के टाइम पे मैं 9000 दे सकती हूँ. ठीक है जी. 9000 डिस्काउंट आई कैन मैक्सिमम गिव.
टू माय शेयर होल्डर्स व्हेन आई एम गोइंग टू री इश्यू माय फॉरफिटेड शेयर्स। कितने में गया शेयर? 8 का शेयर 6 में गया, करवाओ एंट्री। फिर ये सारी एंट्रीज का रोल है बैलेंस शीट में, दैट्स व्हाई आई एम पासिंग द एंट्रीज इन ऑर्डर टू टेल यू व्हाई ही इज डिडक्टिंग कॉस्ट इन एरियर, व्हाई ही इज एडिंग फॉरफीचर एंड विद व्हाट अमाउंट ही इज एडिंग फॉरफीचर। दीस एंट्रीज विल टेल यू द अमाउंट, राइट। बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर कैपिटल 1500 को 6 से मल्टीप्लाई करके 9000, 1500 को 8 से मल्टीप्लाई करके 12000, डन। कितना लॉस? 3000। मैक्सिमम कितना यूज कर सकती थी? 9000। कितना यूज किया? 3000। कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा? 6000। शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व 6000। कौन मेरे को बताएगा 12 में से 9 यूज किया? 9 का हिसाब किताब ये आ गया, 3000 ये, 6000 ये, इस 12 में 3 अभी भी पड़ा है, 3 अभी भी बैलेंस पड़ा ना, 12 है ना टोटल, 12 में से 3 ये गया, 6 ये गया, 3 अभी भी पड़ा ना। कौन सा 3 पड़ा और क्यों पड़ा? कैपिटल रिजर्व कार्तिक, मैंने ऑलरेडी 3000 लिखा है बच्चे, दिस इज द कैपिटल रिजर्व। 12 में से 3 माइनस किया 9 बचा, 9 में से 6 माइनस किया फिर से 3 बचा, वो 3 कौन सा बचा है? द शेयर्स व्हिच आर नॉट येट रीइशूड। 500 शेयर अभी तक रीइशू नहीं हुए, उसका 3000 पड़ा है, वो क्या है? व्हाट इज दैट? दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर ऑफ फॉरफीचर अकाउंट, दैट इज अ क्लोजिंग बैलेंस व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट एंड दैट इज द अमाउंट यू विल राइट इन योर बैलेंस शीट। 3000 कौन सा? विच इज नॉट बियॉन्ड द शेयर्स विच आर नॉट येट रीइशूड, जो अभी तक रीइशू नहीं करे। इसमें से 9000 का हिसाब किताब तो हो गया, 9 तो गया, क्योंकि 9 में मैंने 3000 यहां पे डेबिट कर दिया, 6000 यहां पे डेबिट कर दिया, 12 में से 9 तो गया भाई। 3000 स्टिल द बैलेंस, व्हाई दैट बैलेंस इज विद मी? बिकॉज होल ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइशूड, ठीक है। सो हियर फॉर योर सेटिस्फेक्शन आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। इश्यूड कैपिटल सबको पता है कितनी है, 10 लाख। शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट्स, ऑथोराइज कैपिटल बोलो 1 लाख है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, लिख लोगे आप, ये तो एज इट इज कॉपी करना होता है स्टेटमेंट में से। उसके बाद है इश्यूड कैपिटल, दैट इज 9,90,000 एट द रेट ऑफ 10, वो भी मैंने एज इट इज 9 लाख लिख दिया, मैंने समझाना आपको अगले वाला टॉपिक। और बिगिनिंग में हम लोग बात कर चुके हैं सारी की सारी कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। अब ध्यान से सुनना, ओवरऑल 85,000 शेयर्स थे, ठीक है, 1000 राम के थे और 2000 शाम के थे, शाम के फोरफिट हो गए, मींस वो हमारे नहीं रहे, 85 में से 2 मैंने माइनस किया 83। अब देखना उसने टोटल कैसे लिखा है, 2000 अगर फोरफिट हुए, उन 2 में से 1500 रीइशू भी तो हो गए, फिर से कैपिटल बढ़ी, 2000 माइनस करना है, 1500 ऐड करना है, दैट्स व्हाई इन योर बुक ही इज राइटिंग दिस कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स 84,500। हाउ द टोटल केम? टोटल इज इन फ्रंट ऑफ यू, देखो उसने नहीं कैलकुलेशन करके बताई, दिस आई एम टेलिंग यू, 85,000 की एप्लीकेशन आई, 2000 जो कैंसिल हो गए माइनस करने बनती है ना, ये वाली एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट नहीं हुई, डेबिट होगी तो मींस माइनस हुआ, उन्हीं 2000 शेयर में से 1500 रीइशू भी तो कर दिए, जो रीइशू कर दिया फिर से शेयर कैपिटल बढ़ गई, ठीक है। 2000 पहले माइनस करना है, 1500 क्योंकि रीइशू हो गया वो ऐड करना है, तो दिस इज द कैपिटल सब्सक्राइब बट नॉट फुली पे, कितना ऑफ रुपीज 10 ईच 8 कॉल्ड, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ऑफ रुपीज 10 ईच रुपीज 8 कॉल्ड, अप 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है, 6,76,000। अब एक राम के शेयर थे, एक शाम के शेयर थे, ठीक है, राम के शेयर फोरफिट नहीं हुए, माइंड इट, राम के शेयर कहीं पे फोरफिट नहीं किए, मैंने सिर्फ शाम के शेयर फोरफिट किए, दैट इज 2000, राम के 1000 हैं, राम ने 1000 शेयर्स के ऊपर रुपीज 2 के हिसाब से कॉल मनी नहीं दी, वो कॉल्स इन एरियर अभी भी रहेगा ना,
शाम का क्लोजिंग एरियर क्यों नहीं रहेगा बैलेंस शीट में, क्योंकि वो फॉरफिचर की एंट्री में डेबिट की जगह क्रेडिट हो चुका है। ऑलरेडी आपने डेबिट किया होगा एंट्री में, जब आपने कौन सी एंट्री करी थी, फर्स्ट कॉल रिसीव की, और वहां पे डेबिट किया तो यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट, वो तो खत्म हो गया। रह गई बात किसकी, राम की। सो दैट्स व्हाई ही इज डिडक्टिंग कॉल सिनेरियर 1000 × 2। ही इज नॉट मल्टीप्लाइंग 3000 × 2। व्हाई? बिकॉज़ आउट ऑफ दिस शेयर्स, शाम शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड। ये सारा कुछ लिंक्ड है भाई, आपको फॉरफीचर की एंट्रीज आती होंगी, देन ओनली यू कैन गेट इट। कोई रट्टा नहीं है यहाँ पे, लॉजिक के साथ है सारी बात। सो कॉजिंग एरियर जितने से माइनस हो, आपके माइंड में क्लियर होगी बात। व्हाई विद 1000, व्हाई नॉट विद 2000 एंड व्हाई नॉट विद 3000? हु विल टेल मी द लॉजिक? व्हाई विद 1000 ओनली, व्हाई नॉट विद 2000 और व्हाई नॉट विद 3000 कॉजिंग एरियर? चलो मोहित बोलो, 1000 क्यों माइनस करना है कॉजिंग एरियर? बिल्कुल ठीक है, राम के शेयर के ऊपर सिर्फ कॉजिंग एरियर एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हमने फोरफिट नहीं किया, ठीक है? सो लेस कॉजिंग एरियर, 1000 × 2, 2000 माइनस कर दें, एड शेयर फोरफिटेड, अभी सिखाया 12 में से 3 ये माइनस किया, 6 ये माइनस किया, बाकी कितना रह गया 3000, स्टिल बैलेंस। बैलेंस शीट का मतलब है क्या, बैलेंसेस आने, तो फोरफिचर का अभी कितना बैलेंस पड़ा है, क्यों बैलेंस पड़ा है, क्योंकि ये शेयर रीइशू ही नहीं हुए, 500 शेयर अभी तक रीइशू ही नहीं हुए, सो दैट्स व्हाई ही इज एडिंग शेयर फॉरफिटेड हियर, दैट इज 3000। देखो 667 है, देखो 667 है टोटल, 77 ही, ठीक है जी, 74 में 3 ऐड किया, 677, डन। सो दिस इज द कैपिटल एंड दिस इज योर आंसर। ही कैन आस्क यू टू फाइंड आउट द कैपिटल टू बी शोन अंडर द हेड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। For that, the details should be in your mind, and you will be passing the entry for your convenience. सीधा नहीं पता चलना, क्योंकि entries के साथ link है। इसलिए forfeiture का topic बहुत ज़्यादा important है। So this was a typical illustration I discussed with you. 47th, most comprehensive. लेकिन pro rata के बिना, illustration comprehensive है, लेकिन pro rata के बिना है। तो थोड़ा सा हमारे लिए आसान है, क्योंकि excess money adjust नहीं करनी, बाकी हर इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम है, सेकंड एंड फाइनल को छोड़ के बाकी सबके साथ क्या है, प्रीमियम है। जो जो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है आई विल बी डूइंग हियर, साथ में मैं उसकी एंट्री भी डिस्कस करूंगी। आपने जो बात करनी है कर लो, मेरे को ऐसे नहीं देखो, ठीक है? जो भी जिससे बात करनी है कर लो, रीड द इलस्ट्रेशन बिफोर मी। रीड द इलस्ट्रेशन, 47th illustration, everybody will read. AXI have a mission. I have to complete the syllabus, and for that, I need your cooperation. AXN वाला क्वेश्चन है, पुराने बुक्स के लिए बोल रही हूँ। अगर नहीं है बुक तो मेरे को सुनो बस, आपकी बुक में नहीं है तो 1,00,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस मंगवाई, हर शेयर 10 रुपए का है, 6 रुपए प्रीमियम पे है। हाउ दैट अमाउंट इज टू बी कवर्ड, 4, 2+2 क्योंकि 2 रुपए प्रीमियम है, अगला 5, 3+2 क्योंकि इसमें भी प्रीमियम है, 4, 2+2 टोटल 16 बनाना है, 9 और 4 13, 3 रुपए इसमें कोई प्रीमियम नहीं है क्योंकि प्रीमियम 3 इंस्टॉलमेंट में कवर हो गया, 6 रुपए, ठीक है जी? आगे पढ़ो, क्या हमें इतने ही एप्लीकेशंस आई? द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, व्हाट दिस लाइन मींस, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, व्हाट दिस लाइन मींस, जितनी आपने एप्लीकेशन मंगवाई उतनी ही आई, नीदर अंडर सब्सक्रिप्शन नोर ओवर सब्सक्रिप्शन। चलिए जी, कुमार की बात पहले करते हैं, एक एक शेयर होल्डर को उठाएंगे, उसका हिसाब किताब करते हैं। मिस्टर कुमार एस्य, who was holding 400 shares, did not pay allotment money. Allotment कितनी थी, 5 रुपए, 400 शेयर के ऊपर 5 रुपए के हिसाब से इसने allotment money 2000 नहीं पे करी। It means कि जब आप allotment receive की एंट्री करोगे, आप 2000 माइनस करोगे। What is the meaning of this? He didn't pay this. What is the meaning of this? How you will show it in अपने पढ़ेंगे। Yes,
Ravi, the holder of 1000 shares, paid his total money with allotment. Allotment के साथ इसने first call भी दे दी, ₹4,000. Allotment के साथ ही इसने second call भी दे दी, that is 3000. It means कि आपको नहीं लगता अगर ये arrear है तो ये advance है. और ये अलॉटमेंट के साथ मिला, अलॉटमेंट तक की एंट्रीज तो मैं कर सकती हूँ ना. चलो जी बोलो पहली एंट्री. पहली एंट्री 1,00,000 शेयर्स के ऊपर ₹4 के हिसाब से आपको एप्लीकेशन मनी मिलेगी. पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की होगी, दूसरी ड्यू की होगी, और ड्यू की एंट्री में एसपीआर आएगा. सिखाया हुआ है आपको पहले दिन से, ठीक है. दो एसपीआर इज यूजुअली एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज विद, पार्ट ऑफ इट इज विद एप्लीकेशन, पार्ट ऑफ इट with allotment and third part is with first call even. ठीक, चलिए अच्छी पहली एंट्री करवाइए. ये एंट्रीज कर लूंगी मैं चार, ये मैं इरेज करूंगी, फिर मैं अगला पोर्शन क्वेश्चन का पढ़ूंगी. ठीक, बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर एप्लीकेशन 4,00,000. किसी को कोई डाउट? 1,00,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 0,00 मीन्स लाख, एल मैंने लिख दिया. अगली एंट्री ड्यू की करवाइए. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर कैपिटल टू एसपीआर 2,00,000, 2,00,000, 4,00,000, एनी डाउट? अगली 5,00,000 से, जिसमें 3,00,000 कैपिटल का है, 2,00,000 प्रीमियम का है, करें एंट्री? ड्यू की तो करें, फिर ये हिसाब किताब देखते हैं. ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 5,00,000, 2 शेयर कैपिटल बोलो 3,00,000, 2 एसपीआर 2,00,000. अब रुकिए, 2,000 कॉल्स इन एरिया, मिलना मेरे को 5,00,000 चाहिए था. पहले ये देख लो, 5 में से 2 माइनस करूं, 498 में 7 एडवांस है, 5,00,000, 5,000 की एंट्री मैंने कर दी. ठीक है, मतलब बैंक में मैंने 5,00,000 एंड 5,000 डालना है, एनी डाउट अबाउट इट? और ये मैंने एंट्री कैसे कंप्लीट करनी है, दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर. फिर होल ऑफ द सीन वी विल अरेज एंड वी विल कम टू द फर्स्ट कॉल. डन, स्टेप्स में क्वेश्चन पढ़ोगे आपके लिए भी आसानी रहेगी, आप कंफ्यूज कभी नहीं होगे. ठीक, चलिए जी, आई टोल्ड यू आई विल बी ओपनिंग कॉल्स इन एरियर, आई विल बी ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस, और इस एंट्री में दोनों चीजें हैं. बैंक अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट बाद में फिल करवाती हूँ, कॉल्स इन एरियर डेबिट बींग एन एसेट, एंड यूजुअली इट इज नॉट एन एसेट, इट इज टू बी शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कैपिटल. नेचर एसेट ही है लेकिन कैपिटल में से माइनस करके दिखाया जाता है. ठीक, टू वॉट शेयर अलॉटमेंट, टू वॉट कॉल्स इन एडवांस. कॉल्स इन एडवांस में कोई डाउट? 7,000. कॉल्स इन एरियर में कोई डाउट? कॉल्स इन एरियर 2,000. बैंक में कितना? अलॉटमेंट में कितना? 5,00,000. देखो दोनों साइड का टोटल 5,00,000, 7,000 आ रहा है. एनी डाउट? शुड वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट? अगले शेयर होल्डर्स के नाम पढ़ते हैं और अगली चीजों के बारे में देखते हैं. बेटे जी, एक बात आपने याद रखनी है, जब आप फर्स्ट कॉल रिसीव करोगे, उस फर्स्ट कॉल का 4,000 ऑलरेडी आपको मिल चुका है एडवांस की फॉर्म में. अगर आपने अलॉटमेंट की एंट्री में कॉल्स इन एडवांस क्या किया है, क्रेडिट, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री में इसे कैंसिल करना है, मीन्स इसे डेबिट करना. सिमिलरली जब आप सेकेंड कॉल रिसीव करोगे, उस कॉल का आपको 3,000 पहले से ही मिल चुका है, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस साथ है ना. ये रवि एक ऐसा बंदा था जिसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल भी दे दी, सेकंड कॉल भी दे दी, इन ऑर्डर टू रिड्यूस हिज बॉदरेशन, कि मेरे को बार बार इंस्टॉलमेंट में नहीं पे करना, सारे ले लो. यू आर गेटिंग मी? तो आपने दो इंस्टॉलमेंट्स में कॉल्स इन एडवांस को क्या करना है, स्प्लिट करना है, और फर्स्ट कॉल की एंट्री की रिसिप्ट में इसे डेबिट करना है, सेकेंड कॉल की रिसिप्ट में भी इसे डेबिट करना. ठीक है, फर्स्ट कॉल में 4,000 डेबिट होगा, सेकंड कॉल में 3,000 डेबिट होगा. व्हेन देयर टर्न कम वी विल डिस्कस. डन, चलिए जी पढ़िए अगली लाइन है. क्या क्या डिफॉल्ट हो रहा है आगे? कुछ और एडवांस भी होगा और डिफॉल्ट भी होगा. फर्स्ट कॉल पे हम लोग पहुंच गए, लेट्स रीड. रवि के बाद क्या हुआ? हाँ, अब रुकना पड़ेगा. कुमार्स शेयर्स वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट. कुमार के शेयर फोरफिट करवाओ, और कुमार के शेयर भाई 400 थे. ठीक है, कुमार ने क्या नहीं पे किया था? अलॉटमेंट. कुमार के शेयर फोरफिट करें. देखो जी,
शेयर कैपिटल डेबिटेड, एसपीआर भी डेबिटेड, क्योंकि उस अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दी मींस उसने प्रीमियम भी नहीं दी. टू फॉल्स इन एरियर, बेटर टू राइट दिस, क्योंकि आपने जब अलॉटमेंट को रिसीव किया था तो आपने कॉल्स इन एरियर डेबिट किया था, अब फोरफीचर की एंट्री में उसे क्रेडिट कर दो. ठीक है, टू व्हाट एसएफ व्हिच वी कॉल शेयर फोरफीचर, डन. कुमार के कितने शेयर हैं, कितना मंगवाया, ₹2 यहां पे, ₹3 यहां पे, 5 मंगवाई ना फेस वैल्यू. कॉल्ड अप कैपिटल से मल्टीप्लाई करना होता है और कॉल्ड अप कैपिटल फेस वैल्यू है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम 400 into 2, क्योंकि अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं मिला, एप्लीकेशन का मिल चुका है. और एप्लीकेशन में कोई भी शेयर होल्डर कभी डिफॉल्ट करता ही नहीं है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू अप्लाई द शेयर्स. हाउ कैन वन मे डिनाई टू मेक द पेमेंट ऑफ इट, अगर आप एप्लीकेशन ही नहीं पे करोगे फिर आपकी एप्लीकेशन अप्लाई कहां होगी. ठीक है, सो दिस इज ट्रू. 400 into 2 मैच करते जाना बुक से, 800. कॉस इन एरिया, पहले वाली एंट्री में मैंने डेबिट सिखाया हुआ आपको, कितना, 5 से. कॉस इन एरिया कितना बोलो, कॉस इन एरिया कितना है, 2000. 400 into, डन, मैच करो, फॉरफीचर की एंट्री डन. अब टोटल शेयर कितने थे, 400 तो गए, बाकी कितने बचे. आपको नहीं लगता फर्स्ट कॉल अब 99,600 शेयर पे मंगवानी चाहिए, 400 तो कैंसिल हो गए. यही ट्रिक है, सजा के बच्चों ने क्या करना है, 1,00,000 को 4 से मल्टीप्लाई करके 4,00,000 से फर्स्ट कॉल ड्यू कर देनी. वहीं पे क्वेश्चन गलत, ऑन हाउ मेनी शेयर्स द फर्स्ट कॉल विल बिकम ड्यू, यू टेल. 99,600 शेयर्स पे, वाई, क्योंकि 400 शेयर तो कैंसिल हो गए भाई. किसके, कुमार के, उनसे थोड़ी ना मंगवाएंगे फर्स्ट कॉल, दो उनके तो शेयर हमने कैंसिल ही कर दिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पे ड्यू करनी है, 99,600 शेयर्स पे, इतना याद रखना. बाकी की सारी कहानी फिर से पढ़ते हैं. देखो जी, किसने क्या डिफॉल्ट किया, हु मेड डिफॉल्ट दिस टाइम. आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट कॉल वॉज मेड, ओके, फर्स्ट कॉल मंगवाने की एंट्री करनी है तो कर लीजिए, कर लेते हैं. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, बोलो, टू शेयर कैपिटल, टू एसपीआर. 99,600 को 4 से मल्टीप्लाई, 0, 0, 24, 2, 38, 3. 3,98,400 डन, हाफ ऑफ कर दो, बोलो कितना कितना, 1,00,000, 1,99,200, 1,99,200, क्योंकि ₹2 फेस वैल्यू है, ₹2 एसपीआर मंगवा ली. क्या सबने मेरे को ये सब कुछ दे दिया, नहीं, इसमें से कुछ पैसा तो एडवांस के फॉर्म में ऑलरेडी आ चुका है, जो रवि ने दिया हुआ है. 3,000 तो ऑलरेडी एडवांस है मेरे पास, ध्यान से देखना इसकी कैलकुलेशन. 3,98,400 का 3,000 ऑलरेडी मेरे पास है, बताया हुआ है आपको, रवि ने एडवांस दिया हुआ है. कितना मिलना चाहिए था, 3,95,400. देखो डिफॉल्ट हुआ. गुप्ता होल्डर ऑफ 300 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल. 300 को 4 से मल्टीप्लाई करके 1,200 नहीं मिला, गुप्ता ने फर्स्ट कॉल नहीं दी. कैलकुलेशन वैसे आपका करना बनता है, आई एम सॉल्विंग इट थॉरली. गुप्ता ने क्या नहीं दिया, अनमोल गुप्ता ने क्या नहीं दिया, जीरो जीरो नहीं दी तो माइनस करो, कॉल्स इन एरिया है 2, 4. 3,94,200 गोपाल, जिसके पास 600 शेयर थे, पेड द सेकेंड कॉल मनी अलोंग विद फर्स्ट कॉल. 600 शेयर हैं गोपाल के पास, ₹3 सेकेंड कॉल इसने हमें अभी दे दी, ये कॉल्स इन एडवांस है, वो ऐड करेंगे. ठीक है, सो हमारा टोटल कितना बन रहा है, चेक इट, मेरा 96 क्यों आ रहा है, मैंने कुछ गलत किया यहाँ पे, 5 ही है, ये ऐड करके देखो जरा क्या है हमारी गड़बड़, 95 आना ना, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है. 3,98,400, 1,200
ओके दैट इज गुप्ता के शेयर कितने हैं 300, 1200 ही माइनस किया मैंने, ठीक है बुक के साथ मैच कर रहा है, 4000 कॉल्स इन एडवांस, 4000 था भाई कॉल्स इन एडवांस, ठीक है जी, ये 4 बनेगा, ये 3 बनेगा, और कॉल्स इन एडवांस रवि का पढ़ो, 4 + 3 था ना 7000, फर्स्ट कॉल के ऊपर 4000 था, सेकंड कॉल के ऊपर 3000 था, मैंने गलती से 3000 माइनस कर दिया था, सो वी आर सपोज टू डिडक्ट 4000, एंट्री करवाओ, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिटेड, आपने सारे लॉजिक मेरे को एक्सप्लेन करने हैं अभी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू कॉल्स इन एडवांस, चलो जी बताओ, फिल इट अप एवरीवन, बैंक में कितना 3,95,000, कॉल्स इन एरियर कितना 1200, गुड, ये कॉल्स इन एडवांस कितना जो पिछला मिल चुका हुआ है वो एडजस्ट कर रही हूं 4000, फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट हुई थी उतने से ही क्रेडिट होनी है, कॉल्स इन एडवांस कितना 1800, क्योंकि गोपाल ने हमें इसके साथ सेकंड कॉल भी दे दी, दैट इज 1800, बोथ द साइड्स विल मैच, और चेक फ्रॉम योर बुक मैंने अल्टरनेटिव वे किया जहां पे उसने कॉल्स इन एरिया और कॉल्स इन एडवांस ओपन किया, क्या फर्स्ट कॉल के बाद किसी के शेयर फोरफिट हुए हैं, क्या फर्स्ट कॉल के बाद किसी के शेयर फोरफिट हुए हैं, पढ़ो, रीड द स्टेटमेंट, गुप्ता के शेयर 300 थे, करें फोरफिट, चलिए जी बोलो एंट्री, शेयर कैपिटल डेबिटेड, बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, मींस उसने प्रीमियम भी नहीं दिया, प्रीमियम इज ऑल्सो टू बी डेबिटेड, पे अटेंशन, लुक स्ट्रेट, टू कॉल्स इन एरिया, टू शेयर फोरफिटेड, गुप्ता के कितने शेयर्स हैं, कितना मंगवाया 2 + 3 + 2 = 7, बिल्कुल ठीक, 300 × 7 = 2100, इसका प्रीमियम नहीं दिया सिर्फ फर्स्ट कॉल का, दैट इज 300 × 2 = 600, कॉल इन एरिया कितना था 300 × 4 = 1200, ठीक है बाकी 1500 वो पे कर, डन खत्म, अब 300 शेयर इसके फोरफिट हुए हैं, पहले कितने शेयर फोरफिट हुए थे, पहले कितने शेयर फोरफिट हुए थे 400, 700 शेयर गए, ओवरऑल कितने शेयर थे आपके पास 1 लाख में से 700 माइनस करेंगे 99,300 पे फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे एंड यू विल कंटिन्यू, ठीक है क्योंकि 700 शेयर तो कैंसिल हो गए, सेकंड कॉल में सारे शेयर्स पे नहीं मंगवा सकती भाई, सेकंड कॉल में कितने शेयर्स पे मंगवाऊंगी 99,300 शेयर पे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके ड्यू करो, बाकी हिसाब किताब आप खुद देखोगे कौन सा एडवांस आ चुका है, कौन सा कॉल्स इन एरिया फिर से, ठीक है कौन सा एडवांस आ चुका है 3000 अलॉटमेंट के टाइम पे आ चुका हुआ है, 1800 फर्स्ट कॉल के टाइम पे आ चुका है, 4800 ऑलरेडी आ चुका है, वो आप बीच में से क्या करोगे एडजस्ट इन रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल सी, ठीक है जितना भी होगा दैट यू विल सी, ठीक फ्रॉम माय साइड इट इज डन, रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल सी योरसेल्फ, 48th करना शुरू करो, 48th सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास, दैट इज फॉर योर रिकैप्चुलाइजेशन, 48th करना शुरू करो,